ये तो सब शुद्ध बात निकल रहा है। कादू में कई
जी बिना के भगवान दवाई भैया अभी सभा में सरस्वती विराजे ये खाना तो वर्णन करता है खाना का वर्णन करियो खाना क्या खाता सभा पकौड़ी छान के सम्मुख रखो प्लेट अच्छा सभा पकौड़ी छान के सम्मुख रखो प्लेट अखिल Thank you.
नेपथ्य बंद है, बारह वर्ष मुझे शादी तो हो गया, घर में जो आया जो महारानी का भी था कोई एक सुल्तान नहीं हुआ, मैं सिपाही राजा हूँ, मैं तीन तलवार लेकर मैं हर हमेशा तैयार जंगल जंगल में करता दरबार। ये बता, मैं तो जंगल से आया हूँ, अपनी राज महत्व का कुशल बता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, शाबाश बहादुर, बहुत अच्छा है महाराज। लेकिन एक बात जानते हैं? क्या बात है वे? आज अपने घर में पत्नी था पत्नी, हिंदू धर्म पर्व कहते हैं पावनी, क्या हुआ? मलकान की कलखन जाना चाहिए, मैं नहीं जाता हूँ, पूरी का कलखन, अच्छा खीर पकल खनो बस, आप गोसाई अगाम जाए के ये वो पूरी तोर में धर देगा, अच्छा आप बीच में खीर धर देगा, आप फिर ये वो पूरी ऊपर से धर देगा, अच्छा बेचारा खीर नम्र उसी का कहा जाता है जो गोसाई की निकाय है वो पूरी तसमाए, उसका नाम है पाते, वो घर में पाते हुए था सब चढ़ाए दल को आ हमरा की कल को, क्या बोलो, एक मोटा पूरी पाइन दल को कल को रे द्वार पाल, हमें कहिए आए निपुत्रा निपुत्री का जैसे तुम्हारे कला जीवन में निकाल कर कला सुन रहे क्या नहीं राज मोहबान है, जब घोड़ा पर चढ़ के तू चले छो तो लोग तोरा देखने मुंह किया छाट ले छो, सुनो राजा से पर्दा जो राज मोहबान का जितना है जब हमारे देखता है जो बाबुल के घोड़ा पे ये रूदन सिंह आ रहा है तो मुख पे कपड़ा ढक लेता है किसी को, वो मुझसे लहज करता है पर्दा करता है, नहीं 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 पर्दा नहीं करे छो, तोरा देख के किया मुझे अपने छा जाने छो, तुम जानता है हाँ बता, मैं चाहे बड़ी पुत्र आया बैठे नी पुत्र वो कर मुंह देख लेना के बाद भर दिन मन जल नहीं मिलता, मैं समझ नहीं छो
ने लोग निपुतरा कहते बिकला यहाँ चला जंगल शिकार खेले ठीक है द्वारका सब ये बात से पता मुझे देख लीजिए मुख में कपड़ा ढक लेता है जब मुझसे निकलता है ये पापी नजर उधर से मुख देखने से हमारे बाल बच्चा को अंजन नहीं मिलता है इससे अच्छा राजमहता छोड़कर चलो कहीं मैं डूब जाती हूँ चलो जंगल शिकार खेले वही रामा कथित लोग पामा की बात करते ठीक है मैं तुम्हारा भाई हूँ जब मैं राजमहता मैं प्यार देता हूँ और महारानी मोर अंगन वाली उसको मैं प्यार करता हूँ मैं अपने जीवन गवाने के लिए मां दुर्गा मैं जंगल की ओर चल रहा हूं जंगल में हाँ तुम्हें खाने में फूल का पौधा देख रहा देवी माँ दुर्गा के मंदिर ले देखे छो वो पत्ती दे रहा है हाँ चलो देवी माँ दुर्गा के पूजा करवाए आ देवी माँ से वो बउआ मांग लेवे हराम जाता ये जंगल में देवी देवता नहीं रहती पूजा देवी देवता से नहीं मांगने से मुझे पूरा नहीं होगा तो चलो ठीक है मैं तुम्हारा बात विश्वास चलो यहाँ के चल कर मैं वो मंदिर का मैं देखता हूँ जो देवी का मंदिर है या घर का है चलो करके अपनी राजमहता में जा रहा था आज तक मैं ये देवी का मंदिर मुझे नहीं देखा था आज ये देवी का मंदिर में देख रहा हूं दरबार ये मंदिर से क्या होगा रे पूजा ठीक है देखता हूं ये द्वारपाल की वचन क्या होता है या हम तो यार थी उतारू अतुल के Thank you.
महादेवी खुश हो पुत्र, आज ये देवी तुम लोगों की पूजा से बहुत खुश है। आज इस देवी से तुम लोग जो वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। मां जब मैं जंगल में मैं तुम्हें पुकार के आया, धन हो माता तू हमारे सामने प्रकट हो गई, वैसे मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता हूं। आज मुझे अभिवाद जो मां देवी ये रुदन के साथ थोड़ा सच कर लेती मां तो मैं सारा भेद नहीं कह सकता। अरे पुत्र, माँ और बेटी में सत्य, भक्त और भगवान में सत्य, ऐसे क्या कर सुना दो, मैं तुम्हारी सब दुख दूर कर दूंगी। माँ मैं हर जल करता हूँ, जब तक तुम सत्य नहीं करेगी माँ तब तक मैं सारा हाल नहीं बता नहीं सकता। ठीक है पुत्र, जब तक करना तो मैं सत्य करती हूँ, एक शत दो शत तीसरी शत तुम्हारी कहानी पूरा ना करो तो सीखू ना कोई पास हो। तुमने भरी सभा में ये रुदन के साथ सच कर लिया है और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं रहता हूं किनारे की, मैं रहता हूं चारों तरफ से पर देता सब मुझे निपुत्र कहकर को पुकारता है, इसीलिए मैं रात महबा छोड़कर मैं जंगल की ओर तुमसे मुलाकात किया हो गया माँ। और मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मुझे एक संतान चाहिए माँ। तुमने मेरे साथ सत्ता का बहुत भाई धोखा किया है, क्योंकि जानते हो तुम्हारे नसीब में भी एक भी पुत्र नहीं है, मैं तुम्हें पुत्र लेकर कहां से दूंगी माँ देवी। इसीलिए मैं तुम्हें सच कर रहा हूं, सच की राज है। जब देवी तू सच कर चुकी है कहां से हो, मेरा एक संतान चाहिए। ठीक है पुत्र, जब मैंने तुम्हारे साथ सत कर ली हूं तो ये बात मैं तुम्हें तीन डोजी की बात बताऊंगी, तुम्हारे नसीब में पुत्र है या ठीक है माँ। मैं तीन डोज इसे जंगल में मैं बैठ कर मैं समय काट लेता हूं, भगवान चले यहां से।